तो दोस्तों स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है कोडी रोड्स की, क्योंकि रॉक आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में, और रॉक ने आई थिंक बोल दिया है कि स्टोरी अभी शुरू हुई है। रोमन रेंस के साथ स्टोरी ख़त्म हुई है उनकी, लेकिन रॉक के साथ ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि रॉक जो है वो ये टाइटल जीतना चाहते हैं, WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप ये टाइटल उनको जीतना है, क्योंकि वो कभी नहीं जीत पाए थे। उन्होंने हर टाइटल जीता है WWE में, पर ये वाला जीत नहीं पाए, वो उनका एक सपना है। तो रॉक आई थिंक चाहते हैं कि कोडी रोड्स के साथ उनका एक मैच हो, तो आई थिंक रॉक ने कुछ गिफ्ट भी दिया है कोडी रोड्स को हाथ में, और सबके सामने उन्होंने मना किया खोल के दिखाने के लिए। तो जो भी हो अच्छा होगा, लेकिन कोडी रोड्स का दोस्तों यहाँ पर एक न्यू शुरू होगा स्टोरी, और यहाँ तक कि ट्रिपल एच ने भी बोला कि ब्रॉक लेसनर अभी वेकेशन में है, वो अभी नहीं आएंगे। और जी हाँ, कोडी रोड्स के बाद अब तो दोस्तों रॉ में मज़ा आ गया दोस्तों, अब CM Punk भी आए हैं, है ना। और CM Punk बोल रहे थे आज की फिलाडेल्फिया से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, वो जॉब करते थे फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया इज़ फिली मैन, फिली द रॉकी जहाँ पे शूट हुआ था ना, रॉकी वाला याद है ना, सिल्वेस्टर स्टेलोन का वो है ना, वो स्टैचू वहाँ पर अभी भी है शायद, तो इज़ फिली। तो दोस्तों यहाँ पर स्टोरी जो है दोस्तों ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अब रॉक वर्सेस कोडी रोड्स होने वाला है, क्योंकि रॉक जो थे वो रोमन रेंस के साथ लड़ना चाहते थे टाइटल के लिए, जीतने के लिए, लेकिन कोडी रोड्स रॉयल रोमन रेंस तो कोडी रोड्स जीता ना रॉयल रंबल, तो उनको जीतना है इस हिसाब से। तो अभी दोस्तों आई थिंक रॉक जो है अब रॉक वर्सेस कोडी रोड्स होगा, और एक मेन इवेंट क्रिएट होगा दोस्तों, है ना। ये जो है ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, स्टोरी जो है अभी भी जारी है, स्टोरी को है ना मज़ा लीजिए देखने के लिए, है ना। तो आज तो मज़ा आ गया दोस्तों, चलिए दोस्तों थैंक यू भाई। और हाँ, बिग बॉस OTT 3 15 मई को शुरू होने वाला है, कंटेस्टेंट्स के लिस्ट जल्दी मैं बोलूँगा आपसे जब जब मुझे खबर मिलेगा, है ना। चलिए दोस्तों थैंक यू भाई, किसी में कुछ बुरा लगे तो सॉरी। तो रॉक एंड कोडी रोड्स का न्यू स्टोरी शुरू होने वाला है दोस्तों, जी हाँ थैंक यू। चलिए किसी फैंस को बुरा लगे तो सॉरी। आई थिंक टाइटल एक्सचेंज होगा दोस्तों, क्योंकि कोडी रोड्स बोल रहे थे कि टाइटल एक्सचेंज करो, कि रॉक ने कोडी रोड्स का चैंपियनशिप हाथ में लिया था, और कोडी ने रॉक का जो मोहम्मद अली की वाइफ ने दिया था रॉक को वो चैम्पियनशिप, तो वो वाला मुझे लग रहा है दोस्तों अब वो टाइटल वर्सेस टाइटल होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि टाइटल का इसमें भी मुझे लग रहा है दोस्तों टाइटल यूनिफाइड होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रॉक वर्सेस कोडी रोड्स नेक्स्ट स्टोरी, जी हाँ दोस्तों। चलिए थैंक यू भाई, किसी फैंस को बुरा लगे तो सॉरी।